पुलिस ने ब्लैकमेल करने वाले अंतर्राज्यीय सरगना को भरतपुर राजस्थान से धर दबोचा है। ये शातिर पहले व्हाट्सएप पर चैटिंग करके बातों में फंसाता था, फिर अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया करता था। कुछ दिन पहले छतरपुर विधायक नीरज दीक्षित ने अज्ञात द्वारा ब्लैकमेल करने की पुलिस से शिकायत की थी। अंतर्राज्यीय सरगना को गढ़ी मलहरा पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। छतरपुर पुलिस ने कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित को ब्लैकमेल करने वाले मामले का आज खुलासा कर दिया है। महाराजपुर विधायक ने गढ़ी मलहरा थाना में शिकायत की थी कि उन्हें अज्ञात महिला अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रही है। इसी शिकायत के आधार पर एसपी सचिन शर्मा ने एक टीम बनाकर इस मामले की तहकीकात शुरू करवाई। जिस नंबर से विधायक को ब्लैकमेल किया जा रहा था, साइबर क्राइम की टीम ने नंबर की जांच की तो वो राजस्थान का निकला। राजस्थान पुलिस की मदद से सिकरी थाना के नक्चा का वास आरोपी आदिल तक पहुंची और जब उससे पूछताछ कर उसके 3 मोबाइलों की जांच की गई तो उसके मोबाइल पर विधायक को ब्लैकमेल करने की भी रिकॉर्डिंग पाई गई। जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब राज उगल डाले। आदिल ने पुलिस को बताया वह फेसबुक से लोगों के मोबाइल नंबर तलाशता था और फिर उस नंबर पर पहले महिला बनकर व्हाट्सएप चैटिंग करता था, उसके बाद महिला की अश्लील वीडियो कॉल करके उसे दिखाकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर उससे ब्लैकमेलिंग कर उससे रकम ऐंठता था। आरोपी आदिल ने बताया कि ये हुनर उसको गांव के ही रमजान नाम के एक युवक ने सिखाया था। उससे ब्लैकमेलिंग से कमाई रकम का 20% कमीशन देता था। आरोपी आदिल गुजरात, एमपी, यूपी, बेंगलोर तक अपना ब्लैकमेलिंग का मायाजाल फैला चुका था। 21 नामी ग्रामीण लोगों से 14,22,000 रुपए ऐंठ चुका था। पुलिस ने विधायक की शिकायत पर आरोपी को साइबर क्राइम की धाराओं सहित विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर जिले के थाना गढ़ी मलहरा अंतर्गत एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो साइबर एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आती है। इसमें इस अपराध पंजीकृत किया गया आईपीसी 385 व आईटी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत। इसमें विशेष टीम गठित की गई और राजस्थान पुलिस के सहयोग से जो थाना सीकरी अंतर्गत एक गांव आता है नक्ची का वास, वहां पे टीम के द्वारा दबिश दी गई। इसमें जो मुख्य आरोपी था आदिल जो पकड़ा गया है, उसके माध्यम से ये पता लगा है कि इसकी ट्रेनिंग उसी के गाँव के रमज़ान ने कराई थी और इनको जो सिम्स हैं और बाकी जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो रमज़ान ही दिलाता था और 20% जो उसकी कमाई का या कलेक्शन का होता था वो उसको देता था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।